नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल कुकविद सोना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रतालू की सब्जी। रतालू आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ 250 ग्राम रतालू लिया है। तो हम सबसे पहले आप रतालू को ऊपर से छिलका हटा लेंगे। पूरा छिलका हटाने के बाद हम इसको बारीक बारीक टुकड़ों में इस प्रकार काट लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ 3 हरी मिर्च, 1 कटोरी दही, थोड़ा सा धनिया और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसके बाद हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे और इसमें रतालू फ्राई करने के लिए डालेंगे। रतालू को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए और थोड़ा कुरकुरा ना हो जाए। रतालू फ्राई होते हैं जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब एक कटोरी में हम हरी मिर्च डालकर उसमें दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद हम इसमें छोटी 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद हम चम्मच से इसको मिक्स कर देंगे। रतालू फ्राई करते टाइम आप ध्यान रखें इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये एक जगह से ब्राउन ना हो। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और कुरकुरे भी हो गए हैं। तो अब हम इसे एक्स्ट्रा तेल निकालकर बाहर निकाल लेंगे। अब रतालू बनाने के लिए हम ग्रेवी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा तेल डाल देंगे पैन में और इसके बाद जीरा डाल देंगे। जीरा ब्राउन होने के बाद हम इसमें हींग और मसाला दोनों सार डालेंगे ताकि हींग की खुशबू बनी रहे। दही मसाला डालने के बाद इसे आप तुरंत चलाते रहें। इसे तब तक हिलाते रहें तब तक ये तेल ना छोड़ दे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। जब तक ये उबाल आ जाएगा हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। उबाल आ गया है और सब्जी ने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम रतालू डाल देंगे।
और ग्रेवी गाढ़ी भी हो गई है, बहुत अच्छे से मसाला तैयार हुआ है। रतालू डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तक और लो फ्लेम पर बनने देंगे। तो हमारी रतालू की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें कटिंग किया हुआ धनिया डाल देंगे। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और आप ये सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई और इजी रेसिपी के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।